अगर आप तेज गर्मी और गर्म हवाओं से परेशान हैं, तो कुछ दिन बाद इन्हीं के दम पर आपको प्री मानसून की आहट सुनाई दे सकती है। मौसम विभाग ने राजस्थान के अधिकांश जिलों में बादल गरजने के साथ साथ तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। हकीकत में यह प्री मानसून की अच्छी खबर है। जिस गति से हवाएं राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं, उससे उम्मीद है कि 18 जून के बाद कभी भी उदयपुर व कोटा की तरफ से मानसून राजस्थान में बारिश कर सकता है। संकेत है कि इस बार राज्य के हर जिले में अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले कुछ दिनों में राजस्थान में प्री मानसून की बारिश हो सकती है। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के साथ उत्तरी राजस्थान व हरियाणा से सटे कुछ जिलों में तेज हवा चलेगी। बादल गरजने के भी आसार हैं। इस दौरान कोई बारिश होती है तो अब उसे प्री मानसून की बारिश ही माना जाएगा। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में तेज हवा के साथ लू चलने की चेतावनी दी है। खास बात यह है कि पूर्वी राजस्थान की तुलना में पश्चिमी राजस्थान में हवाओं की गति तेज होगी और अंधड़ के साथ रेगिस्तान की मिट्टी शहरों को पहले रेत से नहलाती नजर आएगी और फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जून से 15 जून तक प्रदेश के अधिकांश जिले में लू के साथ बादलों के गरज सकते हैं। ये गरजने वाले बादल खास बरसने वाले नहीं होंगे। पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, बारा, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही व टोंक जिलों में कहीं कहीं अचानक तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर, बाड़मेर, चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ व नागौर में भी 15 जून तक मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं चलेंगी। इन जिलों में पूर्वी राजस्थान की तुलना में अधिक तेज हवाएं चलेंगी। यहां हवाओं की गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। पाली जिले में 12 व 13 जून को ही यह स्थिति रहेगी, जबकि बाद में हालात सुधर सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की जानकारी आप सभी के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।